सभी साथियों को जय भीम। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, प्रणाम, गुड इवनिंग। प्रणव सागर भैया को जय भीम। राघव माथुर को जय भीम, नमस्कार, बढ़िया हूँ। सबसे पहले सभी लोग जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, आज पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है सेशन को सिलेक्टेड ग्रुप में शेयर कीजिए बहुत ही अच्छे से, और इसमें बिल्कुल भी आप केयरलेस ना करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आवाज़ आ रही है, शिवा बताइए ज़रा, आवाज़ आ रही है? पीयूष उपाध्याय, आर के प्रधान, संतोष तिवारी, जय श्री कृष्णा, राहुल सागर, बड़े भैया, जय भीम भाई, रिंकू मेरे भाई, ओके, नवनीत जी, ओके, आवाज़ आ रही है, क्लियर, ठीक है, आर के प्रधान मैं अच्छा हूँ। अब एक काम कीजिए, जितने भी लोग अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, अभी बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, आई थिंक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, तो हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचे, और जिस काम के लिए हम करना जा रहे हैं वो हमारा काम सिद्ध हो, सक्सेस हो, शिखर तक पहुँचे, मंजिल प्राप्त हो, और हम लोग अपने अपने विद्यालय में हों, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, पर डे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब लिस्ट आने से पहले जितना नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा अब हो रहा है, कि पता नहीं कहीं कुछ अनहोनी हो गई, कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए दवा के शेयर कीजिए। और सभी जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हर हर महादेव, जय भीम राजकुमार भैया मेरे, अखिलेश वर्मा कानपुर वाले जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हाँ, वन थिंग इज दिस कि भैया आप सभी लोग अपना अपना ज़िला कमेंट करिए, क्योंकि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं मैं सबको देख पा रहा हूँ। अम्बरीश आर्या जी जुड़ चुके हैं, संतोष तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करिए, ठीक है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करिए, फटाफट डिस्ट्रिक्ट कमेंट करिए, मैं सिर्फ देखूंगा और अपनी बात भी रखता रहूंगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि लगभग में कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे कांटेक्ट में अभी थे। सभी लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट कीजिए, इसमें कमेंट करिए। और दूसरी बात, हम अपने जो है हैंडीकैप्ड भाइयों से, विकलांग भाइयों से, जो जो है दिव्यांगजन, मेरी बहनें, मेरे भाई, उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े होंगे, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से, मैं सबसे पहले अपने दिव्यांगजन और विकलांग हैंडीकैप्ड भाइयों और बहनों से करवद निवेदन करता हूं कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश के 6,696 की सिलेक्टेड लिस्ट में 1,208 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 1,208। तो सभी लोगों को अधिक से अधिक अब नियुक्ति पत्र लेने के लिए आपको जो है आगे आना होगा, नियुक्ति पत्र लेने के लिए आप लोगों को हमारा साथ देना होगा, क्योंकि आप हमारे लिए कितनी बड़ी ताकत है ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये आपको
मैं उस दिन महसूस कराऊंगा जिस दिन आप मेरे कंधे से कंधे मिला करके खड़े होंगे। आप हैंडीकैप्ड हो, आप विकलांग हो, आप दिव्यांगजन हो, लेकिन जिस दिन आपकी ज़रूरत होगी उस दिन जब हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे तो आपको गर्व होगा, आपको प्राउड होगा, आपको एक अहम होगा, आपको अपने आप में ये फील नहीं होगा कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं विकलांग हूँ, मैं शारीरिक कमज़ोर हूँ, बल्कि आपको फ़ख्र होगा कि नहीं, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं फिजिकल फिट हूँ और मैं आम आदमी के लोगों की तरह अपना काम कर सकता हूँ, कंधे से कंधा मिला करके चल सकता हूँ। ये मैं आपको उस दिन गर्वान्वित महसूस कराऊँगा, आपको उस दिन मैं वो इज्जत दूँगा, उस दिन मैं आपको वो मतलब जो है रिस्पेक्ट प्रदान कराऊँगा जो आपने सोची नहीं होगी। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। ओके, अब लगभग मैं मेरे ख्याल से तकरीबन 50 ज़िले से ऊपर के लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, तकरीबन 50 ज़िलों के ऊपर से लोग जुड़ चुके हैं, अलग अलग विभिन्न विभिन्न ज़िलों के लोगों को मेरा प्रणाम नमस्कार। अब मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है, ये चीज़ मेरी ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे 1208 विकलांग भाई बहन जुड़ चुके हैं, जितने भी हमारे विकलांग भाई बहन 1208 कैंडिडेट 6696 की सिलेक्टेड लिस्ट में चयनित हुए हैं, उन सब से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हो सके तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मेरी टीम को अवगत कराएं कि हाँ हम इस ज़िले से हैं, मेरा नाम ये है और मैं इस ज़िले में तैनात सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी आपके बारे में जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सभी लोग अधिक से अधिक हमारी टीम से संपर्क करें, नंबर नहीं है तो नंबर नोट कर लीजिए और बाकी एक दूसरे से नंबर लीजिए, ऐसा कोई भी शायद ही होगा जो हमारा नंबर नहीं जानता होगा। तो सभी जितने भी दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अब आपका समय आ गया है, आपने कितनी मेहनत पीछे की कितनी नहीं की है, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र दिलवाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, ये तो बीमारी हो गई विकलांग भाइयों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की बात, जो कि वो हमें नियुक्ति पत्र तक लेके जाएंगे और उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार करूँगा जब हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उसके बाद। लेकिन ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसको आप जो है परामर्श के तहत हमारी स्वीकार कीजिए, हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए और अधिक से अधिक संख्या बल में अपने ग्रुप को जोड़ करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार रहिए। जो भी डेट डिक्लेयर हो जाएगी हम आपको बता देंगे, पहला कंडीशन। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, आज वाराणसी में अपना कार्यक्रम संपन्न करके वापस हो चुके हैं। माननीय मोदी जी ने योगी जी का बहुत गुणगान किया है, अब वक्त आ गया है आपको अपना मैटर, अपना मुद्दा याद दिलाने का। अपना मुद्दा ये 6696 का आखिर में नियुक्ति पत्र महाराज जी कब तक देंगे, हम भी बहुत परेशान हैं, हमें स्कूल में जाने की अति आवश्यकता है, हम अपने बच्चों से प्यार करने के लिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही मन लालायित हो रहे हैं, मेरे अंदर इतनी बेचैनी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, आखिर में मैं किस विद्यालय में जाऊँ, जिला मुझे मिल गया है लेकिन उस ज़िले में मैं किस विद्यालय में जाऊँ, ये तत्काल आप कार्रवाई कीजिए और मुझे उस विद्यालय में भेजने का कष्ट कीजिए, ठीक है, ये सब चीज़ें मांगे रखी जाएंगी। दूसरी बात, आप जितने भी लोग नीतू सिंह बिजनौर से बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी भी लोग जो अभी नए नए जुड़े हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपना ज़िला कमेंट करते जाइए ताकि हमें पता चल सके। अब हमारी बात गौर से सुनिए सभी लोग, जो मुद्दे की बात है मैंने आपको बताई कि देखिए लगभग में हमारा 15 से 16 दिन बीत चुका है, ठीक है, 26 तारीख को लिस्ट आई थी, 28 तारीख को काउंसलिंग हुई, 29 तारीख को काउंसलिंग हुई, 30 को नियुक्ति पत्र किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बेचैनी थी कि एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, 5 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, 8 तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बड़ा टेंशन होने लगा है, अब तनाव की अवस्था में आ गए हम लोग, अब बहुत ही तनाव की अवस्था में हम लोग आ गए हैं, अब हमसे धैर्य मतलब जो है जवाब देने लगा है, अब हमसे धैर्य टूटने लगा है, अब हमसे मतलब जो है मेरा खुद मेरी आत्मा, मेरे माता पिता तो वो पहले से ही मतलब जो है प्रश्न करते थे, लेकिन अब मेरी आत्मा, मेरा हृदय, मेरा दिल हमसे खुद ही प्रश्न करने लगा है कि यार नियुक्ति पत्र अब कब मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब जो है धैर्य नहीं हो रहा है, इसलिए सभी साथी अब समय आ गया है आपको किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का,
जो भी दबाव है वो टीम के थ्रू आप लोगों को अपना नेतृत्व करने के लिए, अपना नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए। देखिए अभी तक ये हाई गुणांक लो गुणांक था, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा ये कंफर्म नहीं था, लेकिन अब 6,696 एकदम 99% आप सिलेक्टेड हो और आपको नियुक्ति पत्र की केवल आवश्यकता है और मास्टर तो आप बन ही चुके हो। ठीक है, अब आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि उमा शंकर संत कबीर नगर, सोनू शुक्ला संत कबीर नगर और एक लोग कौन है संत कबीर नगर से, सब लोग एक दूसरे से मतलब जो है हेल्प ले लीजिए और आई थिंक अपना ज़िला और नंबर भी दे दीजिए ताकि एक दूसरे लोग यहाँ से नंबर को अपना ले सकें। ठीक है, तो आप लोगों की एक मतलब ग्रुप बन जाएगा और बाकी तो आप लोग ऑलरेडी ही ग्रुप बनाए हुए होंगे। ठीक है, चलिए भैया मुद्दे की बात करते हैं। अब हमें नियुक्ति पत्र की बहुत आवश्यकता हो गई है। अब अगर हमसे ज़रा सी चूक हो गई, ज़रा सी लापरवाही हो गई, तो हो सकता है कि हमने जो मेहनत की है कहीं ना कहीं ईश्वर ना करे, तो इसलिए अब आपको बहुत सजग रहना है, अब आपको तत्पर रहना है। अब वो समय आ गया है जो ढीला ढवाली या निष्क्रियता अब नहीं चलेगी। ठीक है ना, अब निष्क्रियता या जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगी, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब आपका अनएक्टिव होना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। आवाज़ गड़बड़ कर रही है, एक सेकंड। ओके, अब आपका अनरिएक्टिव रहना, अनएक्टिव रहना आपके लिए गड़बड़ कर सकता है। देखिए भाई, सभी लोग अपना ज़िला और नंबर कमेंट करते रहिए, जो भी एक ज़िले से लोग हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, जो जितने भी लाइव लोग देख रहे हैं एक ज़िले से जो भी लोग मिल रहे हैं उनका नंबर तुरंत आप नोट कर लीजिए और अपनी बात को फ़ोन पे बात कर लीजिए ताकि आपको आने में और ले जाने में आसानी हो आगे के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ सैटरडे को, दिन शनिवार, तारीख 17, प्रत्येक ज़िले के BSA, DM और सांसद विधायक के पास आपको अपनी नौकरी के लिए आपको प्रत्यावेदन देना होगा, नियुक्ति पत्र पाने के लिए निवेदन करना होगा, उनसे रिक्वेस्ट से निवेदन से फोर्सफुली माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनसे फ़ोन करवाना होगा, उनसे फ़ोन करवाइए। ठीक है, और उनसे पूछिए कि महाराज जी इनको नियुक्ति पत्र आखिर में कब दिया जाएगा, इनको आखिर में नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अपने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में जो भी लोग जुड़ रहे हैं और जो देख रहे हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप शनिवार को 17 तारीख दिन शनिवार 17 जुलाई को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, सांसद और विधायकों को आप प्रत्यावेदन देंगे, अधिक से अधिक संख्या बल के साथ जाएंगे और जो भी जाने माने हस्ती है उनसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन करवाएंगे कि आखिर में 6,696 को नियुक्ति पत्र वितरण क्यों नहीं हो रहा है, क्यों देरी हो रही है। ये सब लोग हमसे गुहार लगाने आए हैं। ठीक है, ये सभी लोग हमसे गुहार लगाने आए हैं। 6,696 लोग जो है वो नियुक्ति पत्र के लिए वेट कर रहे हैं, क्या देरी हो रही है। ओके, ठीक है, मेरी बात गौर से समझ में आ रही है, मेरी बात गौर से समझ में आ रही है। क्या आप लोग अपने अपने जनपद में ये कार्य करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी तकरीबन 150 साथी अपने ज़िले के भाजपा के जनप्रतिनिधि और DM, SDM, बेसिक शिक्षा अधिकारी, BSA, इन सभी को 17 जुलाई दिन शनिवार को भारी से भारी संख्या में अधिक से अधिक भीड़ जुटा करके अपनी नौकरी के लिए, अपनी नियुक्ति पत्र के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए, आप सिलेक्टेड हो चुके हो नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द पाने के लिए, क्या आप सभी लोग दिन शनिवार 17 जुलाई को ये कार्य करने के लिए तैयार हैं? ओके, यस कमेंट कीजिए। उसके बाद और सुन लीजिए, प्रत्येक ज़िले का हमारी टीम के पास मैसेज, टीम के पास जितने भी लोग प्रत्येक ज़िले से गए हुए हैं ज्ञापन देने, उनका बाकायदा फ़ोटो होना चाहिए। और ये याद रखना
कि प्रत्येक जिले से कम 20 लोग को प्रत्यावेदन एक साथ में देना है, उसके बाद ही SCERT पर मैं जाऊंगा। 21 या 22 तारीख को SCERT या प्रयागराज में आपका धरना प्रदर्शन है, महानिवेदन के लिए जो प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, नियुक्ति पत्र को लेकर के प्रयागराज या लखनऊ में जो भी डिसाइड होगा, SCERT या फिर प्रयागराज, SCERT या प्रयागराज 21 तारीख या 22 तारीख को जो महानिवेदन कार्यक्रम नियुक्ति पत्र के लिए अधिक से अधिक संख्या बल में रखा जा रहा है, उसमें सबसे पहला स्टेप है आपका 17 जुलाई दिन शनिवार को आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप वाकई में नियुक्ति पत्र पाने के लिए, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए बहुत ही सजग हो। हर जिले से कम 20 लोग अपने जनप्रतिनिधि के पास ज्ञापन देने जाएंगे, कम से कम 20 लोग, क्योंकि आपको पता है कि हर ज़िले में 90 से 100, 30, 40, 50 लोग सिलेक्टेड हैं, ठीक है। मैं कम से कम 20 का टारगेट लेके चलता हूँ। अगर 20 लोग आप नहीं लेके जा सकते हो ज्ञापन देने, या अकेले ज्ञापन देने जाते हो, तो ये ध्यान रखना कि मेरी टीम 21 तारीख या 22 तारीख में जो भी धरना प्रदर्शन महाज्ञापन कार्यक्रम होने जा रहा है आप लोगों के द्वारा, उसमें प्रतिभाग नहीं करेगी। उसका सीधा सा रीज़न है, जब आप अपने घर के पास पड़ोस वाले में आप जो है वहाँ पर बात नहीं पहुँचा सकते हो, तो क्या गारंटी है कि आप लखनऊ या प्रयागराज चल करके हमारा कॉपरेट करोगे? क्या गारंटी है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारा साथ लखनऊ या इलाहाबाद दोगे? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको ये 17 जुलाई दिन शनिवार को ये मतलब जो है वो करना पड़ेगा कि आपको ये प्रूफ करना होगा, ये साबित करना होगा कि हम अपनी नियुक्ति पत्र पाने के लिए बहुत ही लालायित हैं, मुझे परेशानी है, और हर ज़िले से कम 20 लोग अगर आप नहीं जाते हो, हर ज़िले से कम 20 लोगों का अगर टारगेट ज्ञापन प्रत्यावेदन में मुझे नहीं दिखता है, तो मेरा भरोसा बिल्कुल आप लोगों से उड़ जाएगा। फिर मैं 21 तारीख 22 तारीख को जो भी धरना या महानिवेदन का कार्यक्रम होगा, मेरी टीम वहाँ पर निष्क्रियता से काम करेगी, मेरी टीम आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग वहाँ पर प्रूफ कर दोगे कि आपको नियुक्ति पत्र की ज़रूरत नहीं है, सब सरकार भरोसे और राम भरोसे बैठे हुए हैं, तो हम भी बैठेंगे। एग्जैक्ट बात मैं बता रहा हूँ, मैं जा करके और हर काम करके मैं थक चुका हूँ। मैं मेरी कोई इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही गरज नहीं है, ना ही मुझे कोई चार लोगों की सैलरी मिलेगी, सिर्फ एक कैंडिडेट की मुझे सैलरी मिलेगी, वो RK सिंह की होगी, किसी और की नहीं होगी मेरे भाई। इसलिए आपको 17 जुलाई दिन शनिवार को ज्ञापन प्रत्यावेदन में ये साबित करना होगा कि हर जिले से 20 लोग को जोड़ करके ज्ञापन प्रत्यावेदन दीजिए, उसकी फ़ोटो लीजिए और वायरल कीजिए, और हमारी टीम को संबंधित टीम से बात कीजिए, चाहे सेवा सिंह हो, अखिलेश वर्मा हो, लवकुश हो, या हमारे टीम में जो भी खास लोग जुड़े हुए हों, इवन मैं स्वयं हूँ, आप व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप में डालिए, सोशल मीडिया पर डालिए, फेसबुक में डालिए, सभी जगह ये आपको दिखाना है कि हर ज़िले से कम 20-20 साथी जो है प्रत्यावेदन में भाग ले रहे हैं। और जब भी 21-22 तारीख को धरना या महानिवेदन कार्यक्रम रखा जाएगा DG सर के माध्यम से या DG के यहाँ पर, तो आपको ये भरोसा दिलाना होगा कि हम नियुक्ति पत्र के लिए बहुत सजग हैं। विकलांग भाइयों से एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि कृपया सभी लोग आगे से आगे आइए, क्योंकि आपकी सीटें 1208 कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1208 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी बनिए, हमारे नियुक्ति पत्र की एक हिम्मत बनिए, हमारे नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए आप आगे आइए, हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। जितने भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप किसी के सारे मत बैठिए। अगर 20 तारीख तक हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद में अगर बहुत लेट लतीफ़ी होती है तो हमारे लिए घातक होगा, हमारे लिए लाभदायक बात नहीं है। डेली 1500 का नुकसान हो रहा है, और जुलाई का तो ये सरकार जो है पेमेंट मारने के मूड में है ही, ये तो एकदम क्लियर पता चल चुका है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने स्पष्ट कर दी हैं। विकलांग भाइयों से, दिव्यांगजन भाइयों से, या मतलब जो है हैंडीकैप्ड भाइयों बहनों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा जो है साथ देने के लिए आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हमारा साथ दीजिए, हमें आपकी नियुक्ति पत्र के लिए बहुत आवश्यकता है। और आप अपने संगठन में रह करके आगे से आगे हैं, जो भी डेट निर्धारित की जाएगी आप फिक्स कीजिए, हम फिक्स करेंगे, हमारी टीम फिक्स करेगी, और आपको तत्पर रहना है, सजग रहना है, तैयार रहना है। बाकी जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, बाद में जो देखेंगे, चाहे वो इलाहाबाद के हों, चाहे प्रयागराज के हों, कानपुर के हों, इटावा के हों, जौनपुर के हों, बिजनौर के हों, लखनऊ के हों, हमीरपुर के हों, बांदा के हों, बस्तियों को, संत कबीर नगर के हों, हरदोई के हों, कहीं कर की भी हों, आप सभी लोग कम से कम
बीस बीस लोग, मैं बहुत छोटा टारगेट दे रहा हूँ, कम से कम 20 लोग हर जिले के अभ्यर्थियों के साथ पिक होनी चाहिए भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ 17 जुलाई को ज्ञापन देते हुए, तभी हम आगे कोई कदम उठाएंगे। अगर 2 लोगों की पिक दिख गई, 3 लोगों की पिक दिख गई, 4 लोगों के साथ में, तो हमारी टीम जो 20 तारीख को या 21 तारीख को, 22 तारीख को, जो भी डेट जो निर्धारित की जाएगी महाज्ञापन के लिए या धरने के लिए, नियुक्ति पत्र दिवस के लिए, धरने के लिए, उसमें हमारी टीम आगे नहीं आएगी। उसका सीधा सिद्धांत यही है कि आपकी गारंटी आप खोदोगे, आप अपना जो है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका ट्रस्ट है मेरे प्रति, वो आप खोदोगे, कि जब आप अपने घर से नहीं निकल पा रहे हो तो क्या गारंटी है कि आप जो है लखनऊ और इलाहाबाद चल करके आएंगे इतनी दूर। सीधी सी बात है, ठीक है। इतनी बात मैं आप लोगों से बोल दिया हूँ और बाकी मैं अपनी बात को फिनिश करता हूँ। एक बार मैं अंत समय फिर से कहता हूँ, 17 जुलाई को सभी जिलों में, 75 जिलों में नियुक्ति पत्र के लिए ज्ञापन कार्यक्रम की गूंज सुनाई देनी चाहिए। 17 जुलाई दिन शनिवार को भाजपा के प्रत्येक प्रतिनिधि, डीएम, एसडीएम, सांसद, विधायक, बीएसए अधिकारी के पास नियुक्ति पत्र के लिए गूंज सुनाई देनी चाहिए। अधिक से अधिक सोशल मीडिया, अधिक से अधिक प्रिंट मीडिया, अधिक से अधिक ऑनलाइन मीडिया, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ लीजिए, ठीक है। और 20 लोग कम से कम प्रत्येक जिला से निकल के कम से कम आइए, वही लोग ये साबित करेंगे कि हम जब हम ज्ञापन देने आ सकते हैं तो हम SCERT या शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में भी अपने नियुक्ति पत्र के लिए जा सकते हैं। तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी संख्या हमारे पास प्रयागराज या लखनऊ में हो सकती है। अगर आप लोग निष्क्रियता निभाएंगे, 17 तारीख को हमें पता चल जाएगा कौन कितना डेडिकेटेड है नियुक्ति पत्र के लिए और कौन डेडिकेटेड नहीं है। उसी के आधार पर ही हम आगे की रणनीति बनाएंगे, अन्यथा राम भरोसे आप बैठिए, हम भी राम भरोसे बैठेंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी को।